हाय फ्रेंड, देखिए आज हम ये टेबल कवर का डिज़ाइन लाए हैं आप लोग के लिए। डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमने इसमें 16 टिक्की बनाया हुआ है, 4-4 टिक्की का करके स्क्वायर में पूरा पूरा बनाया हुआ है। आप लोग को जो भी चीज़ के लिए चाहिए, टीवी कवर, टेबल कवर, सोफ़ा कवर, ब्लैंकेट, फ्रिज कवर, जो भी आपको बनाना हो बना सकते हैं। सेम डिज़ाइन का कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और ये हमने स्क्वायर में बनाया हुआ है, आपको चाहिए तो रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं। हम 4 लाइन में ऐसे स्क्वायर किए हैं, 4-4 का पूरा करके। आपको चाहिए तो एक और स्टेप्स ऐसे एक साइड से 5 एक साइड से 4 कर लेंगे तो रेक्टेंगल में हो जाएगा ऐसे। तो आप लोग जो भी बनाएगा उसमें एक दो स्टेप्स एक साइड बड़ा कर देंगे तो हो जाएगा रेक्टेंगल में। तो ये डिजाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इसे बनाने के लिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 50 ग्राम उलन लगा है। तो डिज़ाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट करके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करें। तो बनाने के लिए हम पहले उंगलियों पे राउंड करेंगे ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम 12 टाइम राउंड कर रहे हैं इसमें। और उसके बाद से क्रोशिया पर ही इसे हम ऐसे रखेंगे, देखिए उंगली से उतार के। और उसके बाद से हम इसमें ऐसे पहले बांध लेते हैं, फिर 1 2 2 चेन कर लेंगे, फंदे ले के हम डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। तो 1 1 2 हुआ, 3 4 5 ऐसे हम 24 बना लेंगे, यानी 24 हम डबल क्रोशिया राउंड में कंप्लीट करेंगे। तो हमने राउंड में पूरा 24 यानी 24 पूरा डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर पहले में लेंगे हम ऐसे, इसे ज्वाइंट करेंगे, कट करके निकाल लेते हैं, ऐसे बांध के इसे बैक साइड हम लगा देंगे। इसके बाद से अब हम वाइट कलर लेंगे, बांधेंगे और कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ज्वाइंट करके 1 2 2 चेन फंदे लेंगे और ऐसे इस यहाँ बनाए। उसके बगल में फिर हम 1 डबल क्रोशिया ऐसे 2 हुआ, फिर उसके बगल में 3 4 5 6 जगह हम डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे, 6 डबल क्रोशिया हम बना लिए। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 3 चेन फंदे लेंगे, फिर इसके बगल से ही जहाँ यहाँ बनाए इसके बगल से ही फिर से बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया फिर से बना लें। बनने के बाद से फिर 1 2 3 3 चेन फिर फंदे लेंगे, फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन करेंगे। तो 6 6 डबल क्रोशिया बना रहे हैं और 3 3 चेन कर करके बना ले रहे हैं। और तो राउंड में ऐसे बनाने के बाद से फिर 1 2 3 चेन करेंगे, पहले वाले में लेके ज्वाइंट करेंगे हम ऐसे। और उसके बाद से फिर 1 2 2 चेन, फिर सेम जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं, यानी पहले वाले में हम 2 डबल क्रोशिया एक पास बनाएंगे और उसके बाद से इसके बगल में 1 डबल क्रोशिया। और यहाँ मिडिल में देखिए यहाँ 5 जगह ही पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे बीच में देखते, 1 2 जगह हम बना ली है, ये तीसरा जगह दोनों साइड से तीसरा जगह पड़ रहा है, यहाँ पर एक पहले बना लेंगे ऐसे। और उसके बाद हम 1 2 3 4 5 5 चेन कर रहे हैं, 5 चेन करके फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पर ही देखिए यहाँ पे मिडिल में ही हम यहाँ पर एक और बना लेंगे। देखिए इधर से 2 जगह बनाए, तीसरा जगह पे एक बनाए थे और एक और यहीं पे बना ले रहे हैं, फिर इधर 2 जगह और बनेगा। तो पहले में हम इधर एक बना रहे हैं इधर देखिए, और इधर लास्ट में फिर 2 बनाएंगे, एक पास 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 देखिए, जैसे 2 इधर बनाए वैसे ही 2 इधर बना, मिडिल में 1 1 बना है और मिडिल में यहाँ 2 बना है। फिर उसके बाद 1 2 3 3 चेन, फिर से ये 3 चेन बनाए हैं, इसके ऊपर 3 चेन बना रहे हैं, फिर यहाँ पहले में
दो डबल क्रोशिया एक पास, उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर ये मिडिल में पड़ रहा है जहाँ पे, यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद से फाइव चेन, एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन फंदे लेंगे। फिर सेम जगह पे ही हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फाइव चेन करके सेम जगह पे ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फंदे लेंगे, फिर एक और यहाँ पर फिर दो डबल क्रोशिया। देखिए उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक दो तीन, थ्री चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर सेम यही चीज़ें यहाँ पर दो बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर एक बना के फाइव चेन करेंगे, पांच फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे एक और बना लेंगे और फिर एक बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बगल में। देखिए और फिर सेम चीज़ें यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे ज्वाइंट करके हम और ये कट करके अब निकाल लेंगे। हम थ्री चेन करके ज्वाइंट कर लिए और कट करके निकाल ले रहे हैं। तो अब इसके बाद से फिर बनाएंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो उसके लिए देखिए पहला लाइन हम बना चुके हैं पूरा ऐसे, और उसे हम एक दो तीन चेन करके पहले वाले में ज्वाइंट कर लेंगे और सेम चीज़ें फिर बनाना है हमें। तो यहाँ पर पहले हम एक दो चेन, एक पहले में दो डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद से उसके बगल में एक डबल क्रोशिया और फिर उसके बगल में हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो फाइव चेन कर रहे थे वहाँ पर अब एक दो दो चेन करेंगे और ये फाइव चेन किए हैं इसमें, इसमें ज्वाइंट करना है हमें। तो ऐसे लेके और इसमें हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे और फिर सेम जगह पर हम फिर बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर लास्ट में दो डबल क्रोशिया एक पास। अब यहाँ पर देखिए ये तीन चेन है, यहाँ पर हमें एक चेन ऐसे करना है और एक चेन करके ये मिडिल में जो है थ्री चेन का इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेना है, फिर एक चेन करना है और फिर इधर सेम चीज़ पहले बनाना है, पहले दो डबल क्रोशिया ऐसे एक दो, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया बना के और एक दो दो चेन करेंगे, ये फाइव चेन वाले में ज्वाइंट करेंगे ऐसे और फिर एक दो चेन करेंगे और फिर सेम चीज़ें यहाँ एक पर एक ही जगह पे एक और बना लेंगे ऐसे। देखिए और उसके बाद से फिर यहाँ पर हम एक बनाएंगे, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद से एक दो तीन चेन, फिर सेम चीज़ें। तो हम ये बना कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो ऐसे ही और बना लेंगे हम। तो ऐसा हमने फोर ज्वाइंट कर लिया। अब उसके बाद से अब इस साइड ज्वाइंट करना है, तो इधर देखिए यहाँ पर एक दो तीन, थ्री ज्वाइंट पड़ेगा। तो पहले के लिए हमने ऐसे बनाया और एक दो दो चेन करेंगे और ये पहले वाले में लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे, फिर एक दो चेन, फिर सेम चीज़ें बनाना है हमें से एक बस ऐसे एक डबल क्रोशिया और फिर ये थ्री चेन के हैं, इसके अगल बगल में दो दो डबल क्रोशिया बनेगा, तो ऐसे दो डबल क्रोशिया हैं और ये थ्री चेन वाला है, ये फिर एक चेन और इधर थ्री चेन का जो बनाया है उसमें ज्वाइंट कर ले रहे हैं, फिर एक चेन और फिर इधर दो डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे दो, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया बना के फिर दो चेन और ये दोनों जॉइंट है दोनों साइड का, यहाँ पर जॉइंट करना है हमें, तो ऐसे लेंगे और ऐसे ऐसे
फिर दो चेन फंदे लेके सेम जगह पे ही हम बनाएंगे। जैसे देखिए बस दो डबल क्रोशिया लेकिन जॉइंट होके है, और उसके बाद से फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, फिर सेम चीज़ें बना ले रहे हैं हम इसे। तो अब इसके बाद से फिर दूसरी टिक्की भी जॉइंट करेंगे इधर। तो यहाँ जॉइंट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 5 जगह जॉइंट पड़ेगा। तो पहला यहाँ बनाएंगे हम, तो यहाँ पर हम ये बनाए हैं, एक बना के डबल क्रोशे, फिर दो चेन कर लेंगे और यहाँ जॉइंट करेंगे। तो पहला ऐसे, फिर एक दो चेन फंदे लेंगे और फिर एक ही पास ऐसे, और उसके बाद से एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर मिडिल में जॉइंट कर लेंगे, फिर एक चेन करेंगे और इधर बनाएंगे दो डबल क्रोशिया एक पास, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, और ये तीनों जॉइंट है जो यहाँ पर हमें जॉइंट करना है। तो ऐसे लेंगे और यहाँ मिडिल में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ जॉइंट करने के बाद से हम यहाँ पर एक दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे ही हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद फंदे लेंगे, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया, और एक और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए उसके बाद फिर एक चेन करेंगे और एक चेन करके इसके मिडिल में जॉइंट करेंगे हम, तो ऐसे, फिर एक चेन और फिर इधर दो डबल क्रोशिया इस चेन के बगल में, फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर मिडिल वाला पर पहले एक डबल क्रोशिया बना के एक दो चेन करेंगे, और ये दोनों जॉइंट है यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे हम, तो ऐसे लेके, फिर एक दो चेन, फिर सेम जगह पे ही ऐसे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर यहाँ बनाएंगे और यहाँ तक बना के कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो हमने इधर से दो जॉइंट कर लिया सेम, ऐसे ही जॉइंट करना है, फिर इधर जॉइंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 जॉइंट पड़ेगा, फिर 5 जॉइंट पड़ेगा, ऐसे बनेगा, और इधर जॉइंट करेंगे तो 1 2 3 जॉइंट पड़ेगा और इधर बनेगा, फिर उसके बगल में 5 जॉइंट पड़ेगा, सेम टू सेम ऐसे बनेगा। तो अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहे, लंबा चाहे, चौड़ा चाहे बना सकते हैं। तो हमारा बना, तो देखिए हमने ये बना लिया है पूरा 4-4 टिक्की का, 16 हम टिक्की इसमें लगाए हैं पूरा, देखिए यहाँ से यहाँ तक। आप लोग अपने हिसाब से अपना लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं सेम डिज़ाइन में का। उसके बाद हम इसका चारों तरफ से झालर बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ से हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन कर लेंगे हम, 7 चेन करके थोड़ा थोड़ा दूरी पर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। इसमें हम दो डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर करना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन, फिर ये मिडिल में ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 चेन, फिर इसमें दो छोड़ के, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन, फिर ये दोनों ज्वाइंट किए हैं इसके मिडिल में, फिर इसमें दो छोड़ के, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे, तो राउंड में पूरा ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो हमने चारों तरफ से ऐसे बना लिया है, और उसके बाद से देखिए फिर यहाँ पर शुरुआत के पास आए, 7 चेन किए हैं पहले वाले में, लेके ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे, 5 चेन करके, 5 चेन करने के बाद से धागे को खींच के हम यहाँ पर पफ बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4
5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, ये बांध लेंगे। फिर इस चेन को इसके ऊपर चढ़ाएंगे, ये बांधेंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर दूसरे वाले में ज्वाइंट करेंगे, फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5 5 चेन कर लिए। फिर सीधा धागे खींचेंगे और कफ बनाएंगे। तो इधर हमें 5 5 ही चेन करना है। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। फिर इस चेन को इसके ऊपर चढ़ा के फिर ऐसे बांधेंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर दूसरे वाले में तो ऐसे ही 5 5 चेन करेंगे, ये पफ बनाते जाएंगे। तो पूरा चारों तरफ से हम बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना के तैयार कर लिया। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा कि हम और भी डिज़ाइन लेके आएँ तो आप लोग के पास मिले। ये डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइए कमेंट करके। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।